मैं आपको आज बताने वाला हूं 9 बेस्ट घरेलू उपचार इरेक्टाइल डिसफंक्शन तथा प्री मैच्योर इजैकुलेशन, मतलब लैंगिक कमजोरी या शीघ्र पतन या जल्दी निकल जाना, इसके लिए। आइए, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। हमें ऑनलाइन ऑफलाइन कंसल्टेशन लोग करते रहते हैं। मैं आज आपको बताने वाला हूं ये 9 ऐसी बातें, 9 टिप्स कि जिससे आपका इलाज कर सकेंगे कोई भी तरह की लैंगिक समस्या हो उसका। नंबर 1, डाइट। डाइट जो है हमारा खान पान, वो बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। 2020 में एक स्टडी हुई थी, उसके अनुसार यदि आपका बैलेंस डाइट है तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में उसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है। 2017 की एक स्टडी के अनुसार ज़्यादा वेजिटेबल्स मतलब सलाड आप ज़्यादा खाते हो तो 18 से 40 साल की उम्र में उसका बहुत ज़्यादा फायदा इरेक्टाइल डिसफंक्शन ट्रीट करने के लिए हुआ। नंबर 2, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत अहम भूमिका निभाता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन तथा प्री मैच्योर इजैकुलेशन के लिए। 40 मिनट की एरोबिक एक्सरसाइज जिसमें दौड़ना, तेज चलना, साइकिलिंग करना, तैरना, ऐसी एक्सरसाइज आती है। और यदि आप 40 मिनट की एक्सरसाइज दिन में एक बार ऐसे 4 दिन 6 महीने तक करते हो तो बहुत फर्क आपका पड़ेगा ईडी और पीई में। नंबर 3, स्लीप, नींद। 2017 के एक स्टडी के अनुसार जिनको नाइट शिफ्ट्स है और जिनका स्लीपिंग आवर्स बदलते जाता है उनका उसका प्रभाव, दुष्प्रभाव सेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है, उनका सेक्स लाइफ बेहतरीन नहीं होते रहता है। स्लीप एक समय पे और बहुत गाढ़ी होना जरूरी है जिससे आपका सेक्स लाइफ बेहतरीन हो सकता है। 2019 के स्टडी के अनुसार जिनको स्लीप डिसऑर्डर है, मतलब नींद में चलना, नींद में बातें करना, खर्राटे मारना बहुत ज़्यादा, उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम ज़्यादा दिखा। जो लोग कम सोते हैं उनको टेस्टोस्टेरोन लेवल भी उनके बॉडी में कम होते रहती है। नंबर 4, वेट लॉस। मोटापा जो है, ओबेसिटी, तो 2020 के स्टडी के अनुसार ओबेसिटी, मोटापा जो जो लोगों के उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के चांसेस, मतलब कठोरता आने के चांसेस कम हो जाते हैं। नंबर 5, साइकोथेरेपी, मानसोपचार। बहुत लोगों में फियर ऑफ फेलियर है, डर कि मैं कर नहीं सकूँगा, या कुछ लोगों के दिमाग में एक धार्मिक आस्था रहती है, एक विचार रहते पक्के, एक ऐसा रहता है कि नहीं ये दिन नहीं करना, वो दिन नहीं करना, फलाने धम मतलब इस दिन ये किया था ऐसा हो जाता है, ऐसा कुछ तो भी दिमाग में बैठे रहता है, उन्होंने वो किया रहता है और बाद में उनको ईडी या पीई हो जाता है तो वो साइकोथेरेपी भी निकल जाता है। सेक्सुअल ट्रॉमा इनको हुआ है तो इमोशनल डिस्ट्रेस है, लो सेल्फ एस्टीम है, ये सभी हम टैकल करते हैं साइकोथेरेपी और CBT जैसे मानसोपचार में। फिर 6वां आता है सेक्स थेरेपी, जिसमें ज़्यादा कपल काउंसलिंग होता है। कपल काउंसलिंग में दोनों भी मियाँ बीवी को बिठाते हैं और ओपन कम्युनिकेशन करने के लिए प्रवृत्त करते हैं। जो भी है ओपनली बात करो, सीधी बात करो, टेंशन कम हो जाता है, एक दूसरे को क्या चाहिए वो समझ जाता है और उसमें सेक्स लाइफ अच्छा होता है, ईडी का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। नंबर 7, स्ट्रेस। जो जो लोगों को तनाव है उनमें इरेक्शन के प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तनाव यदि ज़्यादा है, टेस्टोस्टेरोन लेवल जो सेक्स हार्मोन है उसका लेवल कम हो जाएगा और तनाव वाले लोगों को नींद कम आती है जिसका असर सेक्स पे पड़ता है। नंबर 8, अल्कोहल। अल्कोहल कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। जो लोग अल्कोहल कंट्रोल में रखते हैं, कम, हफ्ते में 1-2 दिन लेंगे, बहुत ही कम क्वांटिटी में रहेंगे, एक्चुअली उनमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा। मतलब अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं, रोज लेते हैं और अल्कोहल के सिवाय आपका होता ही नहीं है, मतलब एडिक्शन हो चुका है, उनमें सेक्सुअल परफॉर्मेंस कम होता हुआ दिखा और इरेक्टाइल डिसफंक्शन और पी ज़्यादा दिखाई दिया। नंबर 9, स्मोकिंग, धूम्रपान करना। धूम्रपान जब आप करते हो तो नाइट्रिक ऑक्साइड की लेवल्स अवेलेबिलिटी बॉडी में कम दिखाई दी जो लोग धूम्रपान करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड ये खून की नलियाँ बड़ी करने में मदद करता है और वही नहीं है तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो ऐसे 9 अलग अलग बेस्ट घरेलू उपचार मैंने आपको बताया जिससे आपका जल्दी निकल जाने का प्रॉब्लम, जल्दी गिरने का प्रॉब्लम और कठोरता आने का प्रॉब्लम जो है वो निकल सकता है। मैं आपको फिर समराइज करता हूँ। नंबर 1, डाइट। नंबर 2, एक्सरसाइज।
नंबर 3 नींद, नंबर 4 वजन कम करना, नंबर 5 साइकोथेरेपी, नंबर 6 सेक्स थेरेपी या काउंसलिंग, कपल काउंसलिंग, नंबर 7 तनाव मुक्ति, नंबर 8 शराब बंद, नंबर 9 स्मोकिंग धूम्रपान करना बंद। ये आप कचरा जो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।